वो कभी कुछ गलत बिहेव नहीं करते थे किसी के साथ में, बस वो पी रहे थे। तो उनकी हेल्थ इश्यू के कारण मेरी फ्रेंड बहुत परेशान हो रही थी कि हमने सब कुछ तरह से उनको मना के देख लिया, मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो ना, मैंने आपका वीडियो भेजा और मैंने कहा अगर आप हो सके तो आप संकल्प ले लो। तो वो हमेशा कृष्ण लीला, कृष्ण की बातें ये सब करते थे। उस दिन क्या हुआ भैया कि वो इंद्रेश उपाध्याय जी हनुमान जी की बातें कर रहे हैं, हनुमान जी ने ये किया, भागवत के बीच बीच में वो हनुमान जी की बातें बीच बीच में ले। मेरे को ऐसे घूस बम्स हो रहे हैं अभी भी, उस टाइम भी हो रहे थे। मैंने कहा ये कुछ तो है, कल रात में सपने में मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, आज हनुमान जी की बातें कर रहे हैं इंद्रेश उपाध्याय जी। कई लोग कहते हैं कि संकल्प ले सकते हैं श्राद्ध पक्ष हो या मल मास हो, या ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो मेरे प्रभु की आराधना करनी है, मैं और मेरे प्रभु है, मैं तो उनका अंश हूँ, भला मुझे कोई समय मेरे प्रभु की आराधना करने से कैसे रोक सकता है। कोई अलग अलग नाम जप करते हैं, कोई कृष्ण जी की भक्ति करता है, कोई राम जी की, कोई महादेव की, कोई देवी माँ की, आप सबकी भक्ति करें जो भी आपके इष्ट है, मगर हर सनातनी को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना ही चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें, मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, मेरा पूरा नाम कामिनी सिंह है, मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं फलौदी में रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है, ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के साथ साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपके अनुभव है आप उसे डिटेल में शुरुआत की जर्नी के बाद साझा कर सकते हैं। जी भैया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें मौका दिया, क्योंकि हम लोग हमेशा मोबाइल में देखते हैं कि बड़े बड़े सुपर स्टार्स और स्टार्स लोगों का इंटरव्यू आता है और हम लोग देखते हैं। आज आपने हमें मौका दिया, बालाजी ने मौका दिया कि हम आपके सामने लोगों के सामने बोल रहे हैं और वो सुपर स्टार वो हमको देख रहे हैं आज, तो उसके लिए प्रभु की कृपा है, व्यवस्था उनकी है, कराने वाले वे हैं और हमारे लिए तो हनुमान जी और राम जी का हर भक्त सेलिब्रिटी के समान ही है, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी भैया। और सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगी कि मेरा जन्म ही मंगलवार को हुआ था, तो ये बालाजी की सबसे बड़ी कृपा शायद है मुझ पर। उसके बाद में मैं बचपन में जब छोटी थी तब मुझे याद है मेरे मम्मी प्रदोष का व्रत रखते थे सोमवार को और पापा मंगलवार का व्रत रखते थे, और मैं छोटी थी तब से मैंने सावन के सोमवार और तुलसी पूजन, कार्तिक में नहाना, ये सब मैं करती थी, मेरे मम्मी मुझे बताती थी मैं वैसा करती थी। लेकिन हाँ, ये बड़े जो बोल रहे हैं वही करना है, बस इतना ही ज्ञान था मुझे, इतनी पता नहीं था। एक बार मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे छोटे से विष्णु जी की मूर्ति मिली, वो खंडित नहीं थी कहीं से भी और वो मेटल की थी, मेटल की, बहुत सुंदर और प्रॉपर आकृति उसमें दिख रही थी, ये विष्णु जी की है। वो मैं लेकर आई, अपने पूजा घर में रखा और आज तक मेरे मम्मी के यहाँ पर पूजा घर में रखी हुई है। उसके बाद मैं जब थोड़ी मेरी मुझ पे पहले कृष्ण जी की कृपा हुई है, कान्हा जी की कृपा है मुझ पे, उसके बाद में बालाजी की अभी कृपा हुई है, तो मैं उस जर्नी को आपको शेयर कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल बताएं। मैं छोटी थी तभी मुझे डांस का बहुत शौक था, तो मैं एक बार जन्माष्टमी पर किसी प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पे मुझे मोमेंटो के रूप में कृष्ण, बाल कृष्ण रूप की मोमेंटो मिला था मुझे, तो वो मैंने लाकर अपने आप ही भगवान भैया के बहुत सारे मोमेंटोज रहते थे, वो अलमीरा में रहते थे, मैंने उन्हें भगवान के घर में मंदिर में रखा और अपने आप ही मुझे मन में आया कि मैं राखी बांधती हूँ उनको, और मैंने हर राखी पे उनको राखी बांधना शुरू कर दिया, जबकि मेरे भैया हैं और बहुत अच्छे हैं, उनका नाम भी बलवीर है, बलवीरा ही है, तो मैंने उनको राखी बांधना शुरू किया। लेकिन मेरे मन में ये भाव नहीं आता था कि मेरे भाई हैं, भैया ये मेरी मनोकामना पूरी करो या मेरी ये मेरी विश पूरी करो, मैं आपको राखी बांधती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ राखी बांधती थी। धीरे धीरे बड़े हुए हम लोग और कॉलेज में गए, शादी हुई, और उसके बाद में आपको पता ही है कि ये तो मैंने लगभग सभी लोगों के मुख से सुना है कि कॉलेज के टाइम, शादी के टाइम हम लोग भूल जाते हैं भगवान को, उनकी भक्ति
भूल जाते हैं, होता है सबके साथ। तो मैं भी ऐसा ही हुआ, मैं भी भूल गई। मेरी शादी हुई और बच्चा हुआ तो मैं जोधपुर वापस आई ससुराल से। मेरी जॉब लग गई थी स्कूल में एज अ डांस टीचर, तो मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया वहाँ पर। फिर वहाँ पे मैंने जोधपुर में ही अपना घर बनवा लिया और मेरे इन-लॉज के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए हम लोग। जैसे ही मैं नए घर में गई भैया, मुझे वहाँ पर कुछ धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इवन दो दिन बाद ही मुझे ब्रेस्ट में मुझे गांठ हो गई थी बड़ी, तो उसका ऑपरेशन करवाया गया। उस ऑपरेशन के दौरान हील नहीं हो रहा था, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ ऐसे बीतता गया लेकिन वो हील नहीं हो रहा था। दूसरा डॉक्टर चेंज किया तो उन्होंने कहा आपको टीबी है शायद, तो उन्होंने मुझे टीबी की दवाई शुरू कर दी। फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर तीसरी बार फिर हमने गुजरात जाकर अहमदाबाद में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने घाव को ठीक किया और थोड़ा बहुत वो रिकवर हुआ। बट इसी के साथ साथ भैया मुझे और बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लगी। मुझे माइग्रेन सीवियर होने लगा जिससे मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे पेट में प्रॉब्लम्स होने लगी, मंथली प्रॉब्लम्स में, जिससे मुझे गायनक के चक्कर काटने पड़ते। तो उस मकान में जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ नेगेटिविटी शायद उस वास्तु दोष था या उस घर में कुछ ऐसा था जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी मेरी फिजिक। और वो मकान मेरे नाम से ही था, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसके बाद में जब से मैं उस मकान में गई थी, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जॉब कर रही थी, घर के काम कर रही थी। उसके साथ साथ मुझे ऐसा फील, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, बहुत कमजोरी फील होने लगी है मुझे। मैं बिल्कुल भी अपने आप को खुश नहीं पा रही थी उस घर में आने के बाद। लेकिन जब स्कूल जाती थी तो पता नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। मैं पूरे रास्ते स्कूटी चलाते हुए हनुमान चालीसा का जाप करती थी। घर आई, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जब बढ़ने लगी तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि ना झोपड़ी बालाजी कोई मंदिर है, वहां चलते हैं, वहां पे कुछ जो भी होगा वो उपाय बताएंगे। उन्होंने उपाय बताया, शायद वो ठीक भी हुआ भैया। लेकिन मुझे ना भगवान के प्रति ये ग्रेटिट्यूड नहीं आया कि उन्होंने शायद ये ठीक किया है। मेरी उस टाइम मानसिक स्थिति शायद इस तरह से ठीक नहीं थी कि मैं ना उनको मैं धन्यवाद बोल सकूं या कुछ। मैं उसके बाद वहां से सेल आउट करके जॉब छोड़ के बिल्कुल अपना मेंटली पीस पाने के लिए मैं अपने हस्बैंड के पास यहाँ फलौदी आके शिफ्ट हो गई। यहाँ आने के बाद में मुझे फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती थी, लेकिन जो मेंटल डिस्टर्बेंस जो मुझे हुआ था, मुझे वहाँ उस टाइम ऐसा लगने लग गया था कि मैं सच में पागल जैसी हरकतें करने लग गई थी। कुछ जो मुझे पता नहीं है, मेरे परिवार वाले मुझे बताते लेकिन अब वो कोई डिस्कस वो भी नहीं करते, मैं भी नहीं पूछती हूँ। यहाँ आने के बाद ठीक होने लग गई थी। इसके बाद में यहाँ पे मेरे शादी के टाइम पे मुझे छोटे से लड्डू गोपाल मिले थे, वो शो पीस पे रहते थे। तो उस दिन पे मैंने अपने घर में पूजा के आले में उनको स्थापित किया, उनकी पूजा की, उनका अभिषेक किया। उसके बाद में मुझे लगा कि इनकी सेवा शुरू करनी चाहिए जब इनका अभिषेक हो गया, तो मैंने उनकी सेवा शुरू की। सेवा शुरू करने के बाद में मैंने देखा कि वो उन मेटल के थे या लोहे के कलर के थे, वो उनका कलर उतरने लग गया, गोल्डन कलर उतरने लग गया, ब्लैक कलर सा आने लग गया। तो मैंने हम लोगों को कोइंसिडेंसली मेरे बेटे का आर्मी स्कूल में एडमिशन के लिए मथुरा में ही सेंटर आया, तो हम लोग वहां गए। हमने कहा मथुरा वृंदावन दर्शन करेंगे, कान्हा जी को लेकर गए। वहां गए तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इनके श्रृंगार के बारे में ना किसी से पूछा जाए। तो सब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा गोल्डन कलर तो नहीं होगा, इस पे ब्लैक कलर हो जाएगा। मैंने कहा ब्लैक कलर क्यों करवाऊं, सबके तो मैं देखती हूँ पीतल के सुंदर से येलो कलर के होते हैं, तो मैं वैसा ही करवाऊं। कई लोगों से पूछा लेकिन सबने कहा नहीं हो पाएगा, ब्लैक कलर ही होगा। मैंने फाइनली हार मान के उनको दे दिया और दर्शन करने गई बांके बिहारी जी के। उनके जब दर्शन किए तो उनका मैंने पहली बार देखा था तो वो श्याम रूप ही था, तो मुझे खुशी हुई कि मैंने कहा नहीं ये तो ठीक हुआ जो भी हो रहा है। फिर मैं जब दर्शन करके वापस आई, अपने लाला को जब हाथ में लिया तो मुझे वही स्वरूप नजर आया। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, भगवान खुद चाहते थे कि मैं इस रूप में आऊं। उन्हें लेकर आई, मैं उन्हें सूखने के लिए रखा। सुबह मन में आया कि क्यों ना आज इनको यमुना स्नान करवाया जाए। यमुना स्नान करवा के उनको पोशाक जो धारण करवाई मैंने, वो लाइट पिंक पीच कलर ऐसा मिक्स कुछ ऐसा कलर था, तो थोड़ा डिफरेंट था, वो कॉमन नहीं था। उन्हें लेकर हम लोग पोशाक पहना के तैयार करके हम उनको लेकर गए बरसाने राधा रानी के दर्शन करवाए। रानी जी के जब दर्शन करवाए तो मेरा ध्यान गया, मैंने कहा उनके जिस रंग की पोशाक थी वही पोशाक इन्होंने पहन रखी। तो इतनी ये शायद लीला थी इनकी कि उनको राधा रानी से मिलना था तो इन्होंने अपना पूरा स्वरूप मेकओवर किया, एक तरह से अपने आप को मेकओवर करा, फिर वो गए रानी के साथ। तो ये एक लीला थी। जब हम लोग वहां से घर आ रहे थे तो रास्ते में मेरा ससुराल से घर का रास्ता 2.5 घंटे का रास्ता, 2.5 से 3 घंटे का रास्ते में शाम के टाइम बरसात इतनी तेज शुरू हो गई भैया, आंधी तूफान, और मेरे गाड़ी का वाइपर खराब हो गया आगे का। रोड में कहीं पर भी लाइट नहीं है और आंधी तूफान बारिश इतनी जोर से हो रही थी, लग रहा था मानो कार उड़ के चली जाएगी कहीं, इतनी तेज बारिश हो रही। हम लोग बहुत डरे हुए थे लेकिन राधा राधा राधा, क्योंकि मैंने हमेशा कृष्ण कृष्ण किया था, राधा तो कभी किया ही नहीं था। लेकिन जब हम राधा रानी के दर्शन करके आए हैं तो उनकी कृपा पता नहीं अपने आप ही हुई।
पूरे रास्ते हम राधा 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 जाप करते हुए घर पहुंचे, राधा जी को थैंक यू बोला। तब मैंने दूसरे दिन देखा कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जो स्वरूप है वो राधा और कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप है। तो तब मुझे लगा कि राधा और कृष्ण दोनों मेरे साथ आए हैं और उनकी कृपा से। तब मुझे मेरे परिवार वालों ने, रिलेटिव्स ने भी बोला कि जब कोई विग्रह आपके साथ आता है और सच में ईश्वर होते हैं तो बारिश और आंधी तूफान आना तो शुभ संकेत होता है। तो एक ये घटना थी, कान्हा जी की कृपा थी। तो मैं मानती हूँ कि जहाँ कृष्ण और राम की पूजा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। भैया वे आते हैं, वे आते हैं और वे तो साक्षात आपके साथ हैं, वे नारायण जी के तो स्वरूप हैं। और आप भाग्यशाली हैं कि बचपन से आपकी जो जर्नी रही है, मतलब भक्ति भाव वाला वातावरण मिला है। भले माता पिता के अनुसार हम करते थे, भाव हो ना भाव हो, मतलब अगर कहीं ना कहीं बड़े होने के बाद वही आपको काम आया। कुछ समय के लिए ये होता है कि भाई हम पढ़ाई कॉलेज थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिम्मेदारियों में रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रभु हमें फिर से उनकी शरण में बुलाते हैं। तो कान्हा जी की भक्ति मिली, प्लस आपको वृंदावन जाकर उनकी महिमा के बारे में पता चला कि वे तो एक ही हैं। ये बहुत अद्भुत लीला आपने शेयर की, अच्छा लगा। और वे तो आपके साथ हैं, तो भला अगर कोई आंधी तूफान आए तो भला वे मतलब एक टाइप का प्रोटेक्शन कर रहे थे, भला आप पर कोई आज क्यों आने देते। और यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, जैसे आपको जो पीड़ा हो रही थी शारीरिक, जैसे इतने टाइम से उस घर की बात की, तो हो सकता है नेगेटिव एनर्जी हो, वास्तु दो, जो भी एक्स वाई जेड, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होता है, वो संकट स्वरूप आता है। तो उस पीड़ा से कितने टाइम के बाद आप बाहर आए, ऐसा और क्या क्या किया वो हम जानना चाहेंगे। जैसे आपने झोपड़ी वाले बालाजी के बारे में बात की, वो एग्जैक्टली मंदिर कहाँ पे पड़ता है, ताकि वहां पे जो नियर बाय लोग हैं अगर दर्शन करने जाना चाहे तो जा सकते हैं प्रभु के। बताना चाह रही थी कि मैंने उस टाइम पे, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम परिवार वालों ने क्या किया मेरे लिए या मैंने कुछ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था उस समय। मेरे मम्मी, जो भी मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले, उन्होंने जो भी किया होगा अपनी तरफ से वो किया होगा, बट मुझसे आज के, मतलब वो मुझे शायद वो डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मुझसे डिस्टर्ब, मुझे परेशान नहीं करते, वो लोग बताते नहीं है। लेकिन हाँ, झोपड़ी वाला जी का मंदिर वही जोधपुर में ही भगत की कोठी में है। प्राचीन मंदिर होगा हनुमान जी का? नहीं नहीं भैया, वहाँ पर वो शायद घर है, उनका घर झोपड़ी टाइप का बना हुआ है, उनके घर में शायद चौकी लगती है, उनको हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त है, उन पंडित जी को शायद है। वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि उनसे मुझे रिलीफ मिला है बहुत हनुमान जी की कृपा से। प्लीज प्लीज, और भी कोई अनुभव तो बताएं प्लीज जी। इसके बाद में अब एंट्री होती है हमारे बालाजी की। मेरे घर में फोटो थी श्री कृष्ण की, थी विष्णु जी की, थी माता जी की, शिव जी की, सबकी थी, हनुमान जी की थी। लेकिन मैंने कभी भी हनुमान जी की फोटो को ये तक नहीं नोटिस किया था कि वो किस रूप, किस स्वरूप में बैठे हैं, खड़े हैं, किस रूप, मैंने कभी, मुझे पता है हनुमान जी की फोटो है मेरे घर में, उनको आरती करते थे, दिया बत्ती करते, कभी मैंने ध्यान नहीं। मेरी मम्मी घर आई तो कहती है कि बेटा, तो मेरे मम्मी के घर में बड़े राम दरबार हैं बहुत खूबसूरत से, तो मम्मी कहती है बेटा तेरे घर में राम दरबार नहीं है। मैंने कहा मम्मी घर मंदिर छोटा है, रहने दो, अब है ना, जितनी फोटो है सब एक ही है, रहने दो। मम्मी ने कहा नहीं बेटा होना चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है लाएंगे, कभी राम दरबार कभी हुआ तो हम लेकर आएंगे। तो मम्मी ने एक कैलेंडर में फोटो थी, वो बहुत ही आकर्षक मनमोहक थी, वो मम्मी ने मुझे काट के दी कि ये एक बार लगा लेना अपने पूजा घर में। मैंने कहा एक कागज का ये फोटो कैसे लगाऊंगी मम्मी। मम्मी ने कहा एक बार रख ले, जब आएंगे तब ठीक है। तो फिर मैंने रामनवमी के दिन उन फोटो पे टेप लगा के कैसी फ्रेम करके उसको अपने आप से ही मंदिर में स्थापित किया। शायद उस दिन से हनुमान जी खुश हो गए कि आज मेरा परिवार पूरा हो गया। उसके बाद से भैया, एक बार हम लोग जोधपुर जा रहे थे ट्रेन अपनी गाड़ी में, उससे एक रात पहले मेरे सपने में धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं और एक मेरे भैया के फ्रेंड के पास वो खड़े हैं। मैं उन भैया के पैर छू रही हूँ और उनको भी प्रणाम किया मैंने। मैंने कहा इनको तो मैंने देखा है टीवी पे, बहुत दिखते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। इतना देख के सपने में मैंने, दूसरे दिन हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं तो हम लोग मोस्टली इंद्रेश उपाध्याय जी के भागवत कथा सुनते हैं गाड़ी में। तो वो हमेशा कृष्ण लीला, कृष्ण की बातें ये सब करते थे। उस दिन क्या हुआ भैया कि वो इंद्रेश उपाध्याय जी हनुमान जी की बातें कर रहे हैं, हनुमान जी ने ये किया, भागवत के बीच बीच में वो हनुमान जी की बातें बीच बीच में लेकर, मेरे को ऐसे गूस बम्स हो रहे, अभी भी उस टाइम भी हो रहे थे। मैंने कहा ये कुछ तो है कि कल रात में सपने में मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, आज हनुमान जी की बातें कर रहे हैं इंद्रेश उपाध्याय जी। तो मैंने कहा कुछ एंट्री हुई है, भगवान कुछ संकेत कर रहे हैं मुझे मेरी लाइफ में। फिर उस दिन के बाद से टाइम निकल गया। फिर ऐसा हुआ, एक बार मेरे पापा की अभी कुछ दिनों पहले तबीयत खराब हो गई, उस बीच मैंने आपका वीडियो देखा था, उसी समय आपका वीडियो आना शुरू हुआ मेरे पास में, मैंने एक दो वीडियोस देखे। तो मेरे पापा की तबीयत ऐसी, बहुत ज्यादा एज में नहीं है, 70 से कम ही है, बट उनको खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है,
उनको कंपन शुरू हो गया है, वो बहुत हड्डियों में उनको कमजोरी आ गई, बहुत उनको बोन डेंसिटी कम हो गई थी। तो डॉक्टर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एलोपैथिक सब कुछ दिखा दिया, फिजियोथेरेपी करा दी, उनको आराम नहीं मिल रहा था भैया। तो मैंने आपके वीडियोस देख रही थी, बागेश्वर धाम जी के भी वीडियो देख रही थी, तो मैंने प्रार्थना की। मैंने एक दिन उन्होंने ऐसा बोला कि मैं खाना पीना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ना खड़ा नहीं हो पाता हूँ, मैं वॉशरूम तक जा नहीं पाता हूँ, तो मैं खाना पीना छोड़ना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी दुखी होकर रोने लगी। भैया तो मुझे मम्मी ने जब बताया तो मैं भी बहुत दुखी हुई। मैंने कहा मृत्यु जन्म हमारे हाथ में नहीं है, उनको जब जाना है जब जाएंगे, लेकिन इससे कष्ट पीड़ा में तकलीफ में, और अभी उम्र भी नहीं है उनकी। मैंने बागेश्वर धाम जी से प्रार्थना की, भैया कि मेरे पापा को ये तकलीफ से दूर कर दो, उनको शारीरिक पीड़ा दूर कर दो। बस मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के अपने वाणी से अर्जी लगाई थी उनको। रात में सपने में मैं देखती हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी पालथी मारकर बैठे हैं और उनके सामने थाली में खीर पूड़ी रखी है। तो मैंने कहा कि खा भी नहीं रहे थे वो, सिर्फ बैठे थे और देख रहे थे। मैं सुबह उठी, मैंने कहा कि खीर पूड़ी देखा है उन्होंने, खाया नहीं, तो मैं बनाऊंगी और हमारे बालाजी को अर्पण करूंगी और उनको अर्पण करूंगी। मैंने बनाया, उनको अर्पण किया और मेरे मन में आया कि अब मैं मंगलवार के व्रत शुरू करूंगी। इस मंगलवार को मैंने ये निर्णय लिया। पापा को हॉस्पिटल मम्मी दिखाकर आई दूसरे दिन ही, और डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और फिजियोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज बताई थी। उसके नेक्स्ट मंगलवार को मम्मी कहती है कि पापा में फर्क दिख रहा है, 50% फर्क दिखने लग गया पापा में। पापा चल पा रहे हैं, पैर जैसे घसीट के चल रहे थे, कंपन हो रहा था वो कंपन ठीक हो गया भैया, वो चल पा रहे हैं अच्छे से। और जो मैंने मंगलवार का व्रत सोचा था, अगले मंगलवार से पहले नेक्स्ट बुधवार को ही राधा अष्टमी थी, तो जो जन्माष्टमी करते हैं वो राधा अष्टमी भी करते हैं। तो मैं बुधवार को व्रत रखने वाली थी, मैं मंगलवार का व्रत भूल गई थी भैया कि मुझे करना है। सोमवार के दिन एक वीडियो आता है कि वो कहते हैं कि जो राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं वो एक दिन पहले सप्तमी को व्रत रखे और राधा जी को 4 बजे भोर में उनका जलाभिषेक जो भी अभिषेक करके और फिर व्रत खोलते हैं, तो मंगलवार को व्रत रहेगा। तो मैंने मंगलवार का व्रत ये सोच के किया, मैं राधा अष्टमी का व्रत रख रही हूँ, मुझे याद नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं आपको वीडियो देख रही थी तो एक लड़की कहती है कि मैंने मंगलवार के व्रत शुरू किए, तो मुझे याद आया मुझे भी व्रत करना था इस बार। एकदम से मैं फिर बालाजी के सामने गई, मैंने कहा बालाजी आपने किसी भी रूप में मुझसे व्रत करवा दिया, लेकिन मेरा व्रत छूटा नहीं भैया। मैंने उनको धन्यवाद दिए और कि ये व्रत इस बार मंगलवार को इसलिए हुआ क्योंकि अगले मंगलवार से श्राद्ध शुरू हो रहे थे और कहते हैं कि नए काम नए व्रत शुरू नहीं करने चाहिए श्राद्ध में। तो बालाजी ने किसी भी रूप में मुझसे व्रत करवाया, लेकिन मुझे राधा रानी की भी कृपा है और बालाजी की भी कृपा है, दोनों ने मेरा संकल्प पूरा होने से रोका। ये विशेष कृपा कह सकते हैं, स्पेशली आपके पिताजी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा कि एक समय वे इतने वीक हो गए थे और मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब उठने में घसीट के चल रहे थे, मगर देखिए प्रभु ने आपका तब फला, आपने प्रार्थना की प्रभु से, बागेश्वर धाम जागृत है, बहुत ही जागृत है आप उनसे, प्लस गुरुजी का आपके स्वप्न में आना, तो ये कहीं ना कहीं प्रभु से जुड़ा कोई संकेत है कि चिंता ना कर, आशीर्वाद है, और आपने रिकवरी देखी आपके पिताजी के अंदर। स्पेशली श्राद्ध के बारे में, जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे, कई लोग ये एक सवाल कई लोग पूछते हैं, मैंने Q&A में भी इसका जवाब दिया है, कोई पूछता है व्रत हो संकल्प हो, मैं तो इतना ही समझता हूँ, मैं भाव से जुड़ा हूँ प्रभु से, प्रेम से जुड़ा हूँ, मुझे मेरे प्रभु की भक्ति करने से या कोई चीज शुरू करने के लिए मुझे कोई काल देश पक्ष या कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरे प्रभु। कई लोग कहते हैं कि संकल्प ले सकते हैं श्राद्ध पक्ष हो या मलमास हो या ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो मेरे प्रभु की आराधना करनी है, मैं और मेरे प्रभु हैं, मैं तो उनका अंश हूँ, भला मुझे कोई समय मेरे प्रभु की आराधना करने से कैसे रोक सकता है। तो आप ले सकते हैं, आप पाठ भी कर सकते हैं, संकल्प भी ले सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप और प्रभु के बीच का भाव है, मैं मेरे प्रभु को डेडिकेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने रखा, और भी कोई अनुभव हो तो आप प्लीज प्लीज शेयर कर प्लीज। बहुत सारे हैं भैया, मैं 3-4 और आपसे शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक फ्रेंड है, इस संकल्प के बाद में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ, अभी वो बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, वो बहुत पहले से कर रहे थे बट वो कभी कुछ गलत बिहेव नहीं करते थे किसी के साथ में, बस वो पी रहे थे। तो उनकी हेल्थ इश्यू के कारण मेरी फ्रेंड बहुत परेशान हो रही थी कि हमने सब कुछ तरह से उनको मना के देख लिया, मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने कहा कि मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो ना, मैंने आपका वीडियो भेजा और मैंने कहा अगर आप हो सके तो आप संकल्प ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। उन्होंने 11 दिन का संकल्प लिया भैया, 3rd और 4th दिन हुआ था वो मुझे फोन करती है खुशी से कि है ना हमारे संकल्प के बताने से मेरे हस्बैंड ने पीना बंद कर दिया है और 11वें दिन तक तो उन्होंने छोड़ दिया। क्या बात है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, नहीं तो
ये जो व्यसन होता है, आप कई बार तो पूरा जीवन चले जाता है परिवार वालों का, नहीं छोड़ पाते हैं, मगर प्रभु की कृपा होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आपने कहीं ना कहीं आपके माध्यम से देखिए आप निमित्त बने, और ये भी पुण्य का कार्य है कि आपके माध्यम से अगर किसी का भला हो रहा है। आप उंगली बता रहे हो भगवत भक्ति के मार्ग पर। देखिए 40 का ही पाठ किया उन्होंने, मगर संकल्प में क्या होता है, हम निष्ठापूर्वक करते हैं, हम एक चित्त होकर करते हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि चलो 40 का पाठ करो नॉर्मल विदाउट संकल्प, तो कई बार हम मन में और चीजें भी चलती रहती, मगर संकल्प एक ऐसी चीज है ना, तो संकल्प के दौरान भक्त पूरा डेडिकेटेडली पाठ करता है, मतलब उन्हें स्मरण रहता है कि नहीं मुझे आज इतने पाठ करने हैं, तो वो डेडिकेशन वो प्रभु के निकट और लाता है आपको, और प्रभु वो प्रार्थना सुनते हैं, और आपने देखा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बताएं आगे। मुझे गुजरात से फोन किया, वो बहुत रेयर फोन करती है, साल में एक बार या 6 महीने 8 महीने में कभी एक बार फोन करती है। तो उसका एक दिन फोन आया, हमारी सारी बातें हो गई, लास्ट में चलते चलते मैंने पूछा और सब घर परिवार में ठीक तो है, तू उदास कैसे लग रही है? तो वो मुझे बोलती है कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो उसकी सारी जो भी प्रॉब्लम बताई, मैंने कहा कि है ना एक काम कर, हनुमान चालीसा शुरू कर दे सुबह शाम। तो कहती है कि हनुमान जी तो मेरे इष्ट गुरु हैं और हमारे घर में विग्रह है उनका। तो मैंने कहा फिर तुम उनकी सेवा करते हो कि नहीं? सेवा तो नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा होती है नॉर्मल जैसे करते हैं, और हनुमान चालीसा मेरे हस्बैंड व्रत करते हैं और हनुमान चालीसा उस दिन पढ़ लेते हैं। मैंने उनको बोला नहीं, आज से तुम्हें दोनों टाइम पूजा करनी है, और विग्रह है तो उनकी सेवा करो, उनको भोग लगाओ, दोनों टाइम उनकी चालीसा पढ़ो, पूरा परिवार चालीसा पढ़ो, आपके घर में जल्द से जल्द, मेरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम मुझे वापस कॉल करेगी और बताएगी कि मुझे सब कुछ अच्छा हो गया है। भैया वो उसको मैंने ये बात करके फोन रखा है कि मेरे हस्बैंड का, उस दिन मंगलवार था, मेरे हस्बैंड का फोन आता है कि हमने वृंदावन में एक फ्लैट के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म लगाया था, और उन्होंने बोला कि लॉटरी में तुम्हारा नाम निकल गया है। मैंने उसी समय भगवान को बोला कि मैंने कहा वही है कि राम काज कीन्ह बिना मोहे का विश्राम। मैं अगर मैं उनको बोल रही हूँ आपका भला होगा तो उनके साथ साथ मेरा भी भला कर रहे हैं भगवान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि ये बहुत पुण्य का कार्य है, अगर आपके माध्यम से कोई प्रभु की शरण में जा रहा है तो ये पुण्य का कार्य है। वो कितनी मतलब वो कितने खुश होते होंगे कि इन बहन ने हमें ये रास्ता बताया, तो उनकी भी मतलब दुआ होती है एक भक्त के लिए, नहीं वे आपका अच्छा ही सोचते हैं, प्रभु तो सारे रास्ते वैसे ही खोल देते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव भी प्यारा अनुभव था। के बाद से मैंने ये सोच लिया भैया कि जब भी किसी को छोटा कष्ट बड़ा कष्ट जैसा भी कष्ट होगा, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। सभी भगवान जो हमारे ईष्ट होते हैं, चाहे कृष्ण है चाहे राम है, उन सबका तो करना ही करना है, लेकिन साथ में हनुमान जी का भी शरण में जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए। और बात है, मैं एक दिन ट्रेन से आ रही थी, तो जैसे सब मैं वीडियो में देखती थी कि प्रभु ने चमत्कार किए, प्रभु के चमत्कार देखने का मन करता है, तो मैं रास्ते में आई, तो मैं ट्रेन में बैठे बैठे मैंने कहा टाइम पास कैसे, मोबाइल नहीं देखेंगे, आज हम राम नाम का जाप करेंगे और देखूंगी कि हनुमान जी मुझे कहाँ कहाँ मूर्ति के रूप में मंदिर में वानर स्वरूप में कहीं दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं। यहाँ राजस्थान में बहुत कम होता है हनुमान जी के वानर स्वरूप देखने के दर्शन करना, लेकिन मैंने राम 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 जाप करती रही। मैं पूरा ट्रेन का सफर आधे से एक घंटा निकल गया, शाम को 7:30 बज गई, मैंने मुझे नहीं दिखा कुछ, मैं थोड़ी सी निराशा भी हुई, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने राम नाम जाप किया, हनुमान जी को याद किया है, कोई बात। तभी मेरे कान्हा जी साथ में थे, मैंने कहा शाम का टाइम हो गया इनको उठा देती हूँ। उनका पट खोला, देखा तो उसमें मेरी मम्मी ने हनुमान चालीसा छोटी सी डाल दी थी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर है। जय श्री राम। मेरे बेटे के लिए पॉकेट में रखने के लिए उन्होंने दिया था कि बेटा तुम इसको अपने पॉकेट में रखना। तो ये जब मैंने इनके दर्शन किए तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ ही थे और मैंने इनके दर्शन पा भी लिए। वे सुनते हैं, वे कभी भी अपने भक्त को अकेला महसूस नहीं होने देते। और आपने बिल्कुल सही कहा, अब क्योंकि देखिए हमारे सनातन धर्म में अलग अलग देवी देवता है, कोई अलग अलग नाम जप करते हैं, कोई कृष्ण जी की भक्ति करता है, कोई राम जी की, कोई महादेव की, कोई देवी माँ की। आप सबकी भक्ति करें जो भी आपके इष्ट है, मगर हर सनातनी को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना ही चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को वरदान है, वे आज भी सशरीर इस पृथ्वी पर है, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, और वे हमेशा अपने भक्तों के साथ, सज्जनों महा जो भी है, संत जन सज्जन जो भी सच्चे भक्त हैं, उनकी सहायता के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। और उन्हें बुलाना है तो सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें। जैसे आपने क्या कहा, मुझे एक उत्सुकता थी तो पूरे ट्रेन में आप राम 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 का ही जाप कर रहे, तो वो हनुमान चालीसा का जो छोटी पॉकेट जो आपके स्मरण में नहीं था कि आपकी मम्मी ने रखा है,
तो आपने सडनली कि नहीं चलो प्रभु ने अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया कि नहीं वे मेरे साथ हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने शेयर की, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। छोटा सा और है, मैंने सुंदरकांड का पाठ करने का भी निर्णय लिया है कि मैं मंगलवार और शनिवार को पाठ किया करूंगी। तो एक मंगलवार को मैंने जब पाठ किया तो मैंने उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाई, और जब मेरा सुंदरकांड समाप्त हुआ तो मैंने देखा कि उसमें मैंने आसन में मैंने उनका स्वरूप, मुझे लगा कि ये मेरा मन में था कि ये स्वरूप दिख रहा है। मैंने अपने हस्बैंड और बच्चे को दिखाया, उनको भी लगा था। और ये लास्ट मंगलवार को मैंने सुंदरकांड का पाठ किया और मैंने अपनी तरफ से मेरा भाव था, मेरी सोच थी कि मैं उनको घर में ही लाकर लाल सिंदूर और चमेली तेल से उनको चोला चढ़ाऊंगी। मैं चढ़ा तो रही थी भैया, लेकिन मुझे एक मन में कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि मैं अपने हाथों से उनको चोला चढ़ाती हूँ, जाके पंडित लोग चढ़ाते हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें चोला चढ़ाया, एक खुशी भी हो रही थी और एक डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने वो चोला चढ़ाकर सुंदरकांड का पाठ किया, उनको फूल अर्पण किया था। सुंदरकांड का पाठ जैसे ही समाप्त हुआ, मैं मोबाइल में साथ में लगाती हूँ जिससे मुझे पढ़ने में डिस्टरबेंस नहीं हो या मेरा एक भी वर्ड छूट तो वो मेरे कान में पड़ जाए मोबाइल के थ्रू, तो मैं मोबाइल भी चलाती हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ साथ में। तो जैसे ही मैंने समाप्त किया और इति समाप्तम आया महादेव, जैसे ही हाथ ऊपर किया वो फूल हनुमान जी के फोटो के उससे नीचे गिर गया भैया। तो मुझे संकेत मिल गया कि मैंने गलत नहीं किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद है, यस। और वे उपस्थित रहते हैं, अब भाव से बुलाते हैं तो वे आते हैं। और कई महिला भक्तों का भी ये सवाल होता है कि हम कैसे करें। आप पहली बात तो उन्हें एक संबंध बनाएं कि आप भाई स्वरूप माने। आप कई जो बुजुर्ग महिला भक्त हो, जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, वैसे वे हनुमान लल्ला की भी सेवा करती हैं, तो वे घर में सेवा कर सकते हैं। हाँ, आप मंदिर में जाते हैं, जैसे शिखरबंद मंदिर होते हैं जहाँ पे, वहां पे आप जो भी अर्पित करना है तो पंडित जी को दे सकते हैं, राखी अर्पित करें, चोला अर्पित करें, तो बाकी घर पे आप भाव से कर सकते हैं। मैंने गुरुजनों से भी सुना है ये, तो बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही प्यारा अनुभव आपने ये भी शेयर किया। ना छोटा भाई मानती हूँ, श्री राम को बड़ा भाई और हनुमान जी को मंझला भाई, ये तीनों भाई बहन। क्या बात है, वे तो सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा रहेंगे, साये की तरह आपके साथ रहेंगे। प्रभु का पूरा परिवार आपके साथ है। आप अपने अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं क्योंकि आप गृहस्थ होने के बावजूद प्रभु के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, उनकी सेवा के लिए आप बाहर जा रहे हैं, उनके साथ में रख रहे हैं, और क्या चाहिए। वे हर कदम पर आपके साथ है, हर कदम पर। और जीवन में अप्स एंड डाउन होते हैं, चलिए ये तो हमारा प्रारब्ध है। प्रभु चाहते हैं कि हम उन प्रारब्ध को जल्दी भोग दें, क्योंकि कई बार होता है कि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उन्हें ज्यादा दुख क्यों पड़ता है। तो मैंने हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है वृंदावन वाले, उनका जो एकांतिक वार्तालाप होता है उसमें मैंने सुना था, तो यही सवाल किसी ने किया था, तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु चाहते हैं कि वो जो प्रारब्ध है वो आप जल्दी भोग लो, और उस प्रारब्ध को भोगने के लिए भी आपको बल भी देंगे ताकि आपके अच्छे कर्मों का भाग्योदय आगे हो जो आप अभी कर रहे हैं। तो ये साइकिल है, कर्मों को तो हमें भोगना ही है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध जो हमें नहीं पता। संकट इसलिए आता है, शारीरिक हो या कई बार जॉब का इशू हो, बिजनेस इशू हो, हेल्थ इशू हो, फाइनेंस, ये कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध ही होता है। बाकी संभालने वाले प्रभु है, वे ही आपको बल देंगे, और कब आप उससे बाहर निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार भक्त पूछते हैं मुझे, आप पूछा करें, जैसे आप गृहस्थ हैं, जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं, प्रभु भक्ति भी कर रहे हैं, तो नित्य आप कौन से पाठ करते हैं, क्या दिनचर्या है पूजा पाठ में, ताकि आपको देखकर जो भी गृहस्थ महिला भक्त है, पुरुष भक्त है, वे आपसे इंस्पिरेशन ले सके, वो बताइए। जी भैया, मैं ये बताना चाहूंगी पहले तो कि मेरे को अभी कई सालों से, जैसे मैंने आपको बताया था, शारीरिक पीड़ा चली रही थी। इन दिनों लास्ट टाइम में एक बहुत सीवियर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें मुझे कमर बहुत ज्यादा पेन होने लग गया था, डॉक्टर ने कम्प्लीट बेड रेस्ट बोला था मुझे अभी मई में, और अभी सितंबर चल रहा है, और मुझे कई सब परिवार वालों ने बोला तुम 8-9 महीने कम से कम बेड पे रेस्ट करो, कुछ काम नहीं करना है। लेकिन यही पड़े पड़े मैं आपका वीडियो देखती थी, और संकल्प तो यही था कि मैं डेली हनुमान चालीसा ही पढ़ूंगी, ये मैंने शुरू किया। और सुंदरकांड का पाठ तो बैठ के 1 घंटा बैठना मुश्किल होता है भैया, लेकिन मैंने कुर्सी पे बैठ के शुरू किया था, फिर मैं छोटे स्टूल पे आई हूँ, और अब मैं जमीन पे आसन पे बैठ के बालाजी की कृपा से कर पा रही हूँ। नीचे बैठने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कमर दर्द में बहुत आराम है। तो मैं पूजा पाठ में तो नित्य में ये करती हूँ कि मैं डेली, मैंने अब हनुमान चालीसा पाठ पूरी पूजा समाप्त करने के बाद में श्री रामावतार, रामचंद्र स्तुति, और उसके बाद हनुमान चालीसा, और फिर उनकी आरती, ये करती हूँ। मंगलवार शनिवार को मैं संकट मोचन वो स्तुति भी करती हूँ, उसके अलावा रात में मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ।
बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि एक ऐसे भक्त के अनुभव आज हमें सुनने मिले जो प्रभु के इतने निकट हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी नई अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, कान्हा जी से जुड़े, राधा जी से जुड़े, हनुमान जी, राम जी से जुड़े, बहुत प्यारे अनुभव, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो आप वैसे हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? जी भैया, मैंने अभी लास्ट, मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ आपके वीडियो देखते हुए, लेकिन बहुत जल्दी हो गया है इस चैनल से। मैं जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक से मैंने शुरू किया था देखना, और सबसे पहला मेरा वीडियो उन्हीं दीदी का था जिन्होंने, उनको डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही थी और उन्होंने लड्डू गोपाल को कमरे के अंदर बंद कर दिया था जी। और जब उन्होंने उठाया तो वो उठे, खोला दरवाजा तो खुले हुए थे, तो उस चीज को मैंने अपने आप से बहुत अटैच, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुआ जब मेरे कान्हा जी गिरे हुए पड़े थे और उन्होंने उठाया, तो उस दिन मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मुझे ये बहुत टची लगा ये वीडियो। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू आपकी वीडियो देखने लगी और इस वीडियो, आपकी इन वीडियो से सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, दिन हर एक वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक जो मैंने चीज सीखी है, मैंने, आप कहते हैं कि बच्चों में बीज बोना चाहिए, तो मेरा बच्चा 9th क्लास में है तो बड़ा, कान्हा जी की सेवा भी करता है, लेकिन एक एज के साथ में जैसे एडल्ट हो जाते हैं बच्चे तो अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा सा आवाज, ऊंची आवाज में बात करना, तो ये मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, तो मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप उसे बल बुद्धि विद्या दें, और मैंने उससे प्रार्थना की बेटा कि, मैंने प्रार्थना ही की बेटा हनुमान चालीसा पढ़ा करो ना एक बार, तो कहता है ठीक है। एक दो दिन उसने मना किया, एक दिन बैठा, फिर दूसरे दिन कभी भूल जाता कभी नहीं बैठता, लेकिन आज की तारीख में वो बिना बोले बिना कुछ प्रेशर डाले खुशी खुशी वो पढ़ता है, एक बार पढ़ता है, कई बार सुबह भी पढ़ लेता है, और उसके अंदर बहुत चेंजेस आए भैया, वो बहुत काम हो गया है, बहुत थोड़ा सा मतलब जॉली नेचर है, हंसता है, अच्छे से बात करता है, कभी आवाज में बात नहीं करता मुझसे, पढ़ाई में भी मन लगा रहा है, तो आपकी इन सब चीजों से सीखने को मिला कि बच्चों के अगर हम भाव डालेंगे तो वो कभी भी अकेला अपने आप को फील नहीं करेंगे, बालाजी उसके साथ रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है, और बचपन से ही अगर ये बीज बो देते हैं तो बड़े होकर वे कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, मतलब माता पिता तो सब जगह नहीं पहुंच पाएंगे, दुनिया को देखेंगे तो वे अकेले होंगे स्कूल में कॉलेज में, और हनुमान जी तो बल के देवता है, बल बुद्धि विद्या जैसे, इसलिए मैं पहले से कभी भी सेशंस में कहता आया हूं कि बचपन से जो स्पेशली विद्यार्थी वर्ग है उन्हें हनुमान जी की भक्ति पहले से ही अवश्य करनी चाहिए, ताकि वे ब्राइट हो, अंदर से बल मिले, दुनिया से डरे नहीं, और दुनिया के जो भी चैलेंजेस है उसका सामना डटकर कर सके। थैंक यू वेरी मच, ये कराने वाले प्रभु है बहन, हम तो मात्र दास के दास ही नियमित है, आप जैसे भक्त जुट रहे हैं ये भक्तों का परिवार है, धन्यवाद उसके लिए। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, फिर हम कंक्लूड करेंगे, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? मैंने खुद ने बनाई है ये लाइन, जी। नाम का जाप कर हो भव सागर पार, हनुमान जी साथ हैं बल बुद्धि देत अपार। क्या बात है, बिल्कुल बल बुद्धि, और राम का नाम सबसे महान है, इसलिए तो राम से बड़ा राम का नाम कहा गया है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो प्रभु श्री राम के नाम का ही जाप करेंगे तो भी वे दौड़े चले आएंगे। धन्यवाद बहन, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया, और वंस अगेन इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में आप जुड़ सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो बांके बिहारी की जय। थैंक यू वेरी मच बहन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम।